आज हम स्मोकी चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने लिया है ये काली मिर्चा, वो भी कुटी हुई, घर की कुटी हुई है काली मिर्चा। और इसको कोयले से हम स्मोक करेंगे। ये दही है कटोरी, ये हाफ कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये हाफ कटोरी क्रीम है, और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, वो भी काश्मीरी मिर्च। अब हम इसको सिर्फ मैरिनेशन में खाली स्मोक करेंगे, और लहसुन अदरक का। अब ये मैंने चिकन ले लिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में लगा दूंगी, और इसी में हम थोड़ी सी काली मिर्च गरम मसाला डालेंगे, और काली मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये काली मिर्च कुटी वाली है, ये इसमें अलग डाल देंगे, बाद में थोड़ी सी डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे हम, और इसको स्मोक करके थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये नमक मैंने डाल दिया है इसमें, बस इसमें मैरिनेशन में नहीं पड़ेगा, और इस पर हम इसको स्मोक करके अभी बना। ये एक है कोई मोहम्मद साहब, उनकी फरमाइश है स्मोक चिकन की, इसलिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने कोयला भी जला लिया है, इस कोयले को मैंने गरम कर लिया पूरा, ये बर्न हो चुका है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा बटर डाला है, ताकि मैं इसे स्मोक कर सकूँ। ये जो है हम इसमें बटर डालेंगे, और इसको आधे घंटे तक ही स्मोक कर देंगे, ताकि इसकी स्मेल इसके अंदर। मैंने तेल डाल दिया है, और इसी में थोड़ा बटर डालेंगे, क्योंकि तेल बटर अगर खाली डाल दो तो बहुत धुआं उड़ता है, इसलिए। देखिए चिकन को मैंने स्मोक चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था, इसको स्मोक भी कर दिया था 1 घंटे के लिए, अब ये स्मोक हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी थोड़ी डाल लें, ताकि थोड़ी कसूरी मेथी भुन जाए, फिर इसी में चिकन डाल देंगे। या चिकन ये हमने इसमें चिकन डाल दिया है बटर, और इसको कसूरी मेथी में स्मोक, इसका देखिए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम इसमें भून लेंगे थोड़ा सा, भुनने के बाद इसमें दही और दही डाल देंगे, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। अब इसको दही डाल के भी हम भून देंगे, इसी में क्रीम डाल देंगे, और इसमें क्रीम भी डाल देंगे, सब मिक्स हो जाएगा साथ में ही, थोड़ा सा क्रीमी बटरी सब हो जाएगा इसका, देखिए कितना अच्छा सा। और इसको चिकन के पीसेस मैंने मीडियम लिए हैं, कोई ना बहुत बड़े ना छोटे, बड़े पीसेस जो होते हैं बड़े टेस्ट नहीं अच्छा आता उनका, इसलिए मैंने मीडियम पीसेस लिए हैं। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे कलर के लिए, वैसे तो कलर ही बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो हमने बचाई थी वो इसमें डाल देंगे, और बहुत टेस्टी लगेगा इसका काली मिर्च का भी फ्लेवर। ये देखिए बस तैयार हो गया है, पूरा बन गया है। इसने मक्खन अपना तेल जो डाला था वो सब छोड़ दिया, भूनना पड़ा, बन गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया मज़ेदार है, आप भी बनाएं। देखिए स्मोक चिकन तैयार हो गया है, क्या खुशबू आ रही है इसमें से, देख लें, मज़ा आ गया इसमें, कसूरी मेथी की, स्मोक की जो कोयले से इसको दम लगाया था उसकी, और बटर की, ये सब की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, खाएं बहुत मज़ा आएगा। चपाती से खाएं, चाहे नान से खाएं, आप घर की रोटी से खाएं, बहुत मज़ा आएगा।